परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमे व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपायं बहुदरं बहुदंशाकरालं दृष्ट्वा लोभाः प्रव्यथितास्ततां नभस्त्रिसंदीप्तमलेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा विदिग्नविन्दामि समन्त विष्णु दंष्टाकरालानितते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा
प्रसीद रे सजगन निवास अमित त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघे भीष्मो द्रोण शूचपुत्रश्च धासौ सहस्मदीयैरपि योजमूर्खै वक्त्राणि देश्वरमाणाभिषन्ति दर्शापराधानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो भुवेगा समुद्रदेवाभिमुखा जगन्ति तथा च वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धदेवा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तदापि वक्त्राणि समृद्धदेवा लोलीयसे प्रसमाना समन्ताल्लोकान् समक्रान्वरणैश्वरसे तेजो हिरापूर्य जगत्समागम् भासस्वरूपाप्रपपन्ति आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद ज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं महे प्रजानामि तव प्रवेशम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्कवृद्धो लोकान् स्वमहत्वमिह प्रवेश स्थितिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योगा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून्मुक्ष्वराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून्मुक्ष्वराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम होती कृत्रिम दात एक होती स्वाभाविकता। मानो एक बात बनाई हुई होती है एक स्वतः सिद्ध होती है। तो स्वतः सिद्ध होती है वो है परमात्मा तत्व, वो बनाई जाती है वो है सब संसार प्रकृति प्रकृति का कार्य। अपने कुछ भी करना है कुछ भी किया है कुछ भी करूंगा कुछ भी पाया है कुछ भी पाना है कुछ भी जानना है कुछ भी जाना है, ये जो वितर्क है ये सब कृत्रिम है, सब बनावटी रहित होकर सुपोना है। ये पारमार्थिक तत्व है, इसको सहजावस्था कहते हैं, स्वाभाविक स्वतः। अपने वो क्या गया है कि स्वाभाविक में तो अस्वाभाविकता आ गई, अस्वाभाविक में स्वाभाविकता आ गई। मानो संसार में रहना करना लेना देना खाना पीना तो स्वाभाविक हो गया, और जो परमात्मा तत्व है वो अस्वाभाविक हो गया। और वास्तव में परमात्मा वो तो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, और ये तो अस्वाभाविक है किया जाता है। जैसे बीड़ी सिगरेट आदि नशा करते हैं तो करना होता है, और इसका नशा न करना है ये न करना पड़े, ये स्वाभाविक है। नशा करना सीखना पड़ता है, आफत होती है फिर पहुंच जाते हैं, और न करने से स्वतः शांति स्वाभाविक है। अपने लोगों में भी ऐसी एक बात बैठ गई कि करने से होता है, तो संसार में ठीक करने से होता है, पर करने से होता है वो रहता नहीं है। पहले नहीं है फिर करना है, करने से जो होता है वो नित्य नहीं होता। करना भी अनित्य होता है, करने से प्राप्त होता है वो भी अनित्य होता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, और स्वतः सिद्ध स्वाभाविक जो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा है वो करने नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है। तो उसकी स्थिति होना उसमें प्राप्त हो जाना ये तो स्वाभाविक चीज है हमारी, और जो सांसारिक काम करना ये अस्वाभाविक है। परंतु संसार काम करना एक स्वभाव हो गया, आदत हो गई, स्वभाव पड़ गया ऐसा, तो ये अस्वाभाविकता तो स्वाभाविकता हो गई। और स्वाभाविक तत्व तो है जो स्वतः सिद्ध है,
उसमें करना कराना कुछ नहीं है, न जानना है न करना है न पाना है न देना है देना है न आना है न जाना है। स्वतः सिद्ध है वो, स्वतः सिद्ध परमात्मा है। अगर हमारे अपनी स्थिति देखी जाए तो अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध है। अपना जो होना पड़ा है क्या उसमें कोई करना पड़ता है? अपना होना पड़े स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। उस स्वभाव को सहज अवस्था कहते हैं। उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा उत्तम सहज अवस्था। सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, वो उत्तम सबसे श्रेष्ठ वो है जो करना जानना पढ़ना लेना देना नहीं, स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसी का ही अंश ही है। ममी वंशो जीव लोके दीव भूत सनातन देव, स्वतः है ये। अपना होने में भी किसी को कुछ करना पड़ा है क्या? अभी कुछ अपना होना अपन उसमें करना पड़ता है क्या? इसमें कोई लाना नहीं जाना देना करना पड़ता है उस? अपना आप है वो, जो अपनी सत्ता है वो स्वतः सिद्ध है। ऐसे स्वतः सिद्ध जो परमात्मा परिपूर्ण है वो स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक तो प्राप्त करना ही मुक्ति है, और करने में जाना ये मुक्ति नहीं है, ये तो बंधन है। तू करने में शरीर की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है, अंतकरण की आवश्यकता है, इनके सहारे से होगा। और न करने में क्या आवश्यकता है? जैसे आप काम करते हो तो उसमें करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, समझ जोड़ना पड़ता है। पर नींद लेते हो तो उसमें कुछ करना पड़ता है क्या? स्वाभाविक है, उसमें कुछ नहीं करना, ऐसे सो जाओ नींद आ जाती है। तो ये नींद जड़ अवस्था है, इसमें करना नहीं है। ऐसे जड़ अवस्था जिससे प्रकाशित होती है, ये जड़ और क्रिया और अक्रिया दोनों अवस्था, क्रिया अवस्था और अक्रिया अवस्था, करना और न करना, दोनों को छोड़ दे, दोनों को प्रकाशित करने वाला, दोनों को जानने वाला वो चीज है, वो बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। तो स्वाभाविकता है वो, उसमें नहीं बतते कृति न अर्थ न आकृति नहीं अगस्त नहीं, तो करने से प्रयोजन है और वहां न करने से प्रयोजन है। न साक्ष्य स्वरूप होते सुख असिद्ध व्यापार होया, किसी प्राणी के साथ किसी को संबंध नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है वो। सहजा ने सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव शिव का एक नाम विश्राम, स्वतः सिद्ध है वो। हम लोगों में बहुत ऐसी बात बैठी है कि करने से होगा। देखो करना है, करने का आरंभ होता है और करने का अंत होता है, तो उसका फल अनंत कैसे होगा? फल का संयोग और वियोग होगा। स्वतः सिद्ध तत्व है, उसमें करना न करना नहीं है, दोनों से रहित स्वतः सिद्ध है वो। दोनों से रहित न करना ही हुआ, न करने का जो आग्रह है ये करना ही है, बोलना है न बोलना है ये अपेक्षाकृत है, और बोलने न बोलने से रहित वो स्वतः है। देखना न देखना ये दोनों क्रिया है, सोचना न सोचना, जाना और आना, रहना और देना, करना और न करना, ये सब अवस्था है। और न करने के अपेक्षा करना, करने के अपेक्षा न करना, ये सापेक्ष है, तत्व निरपेक्ष है। तत्व करने में न करने में नहीं है, न करना करना दोनों को प्रकाशित करता है, उस प्रकाशित में करना न करना दोनों नहीं है।
न करना है न करना, वो तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। अब स्वाभाविक ऐसा बात हो जाएगी तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु एक संसार संस्कार भीतर पड़े हुए है कि करना होगा, उसके लिए करना होगा, तो करना उसके लिए नहीं होगा। करना जो हमारे आदत में आ गई है, करने से उठने के लिए करना है। जैसे भगवान का चिंतन करना, भजन करना, ध्यान करना, उसको याद करना, तो क्या है, करना मिटाने के लिए करना है, करने के लिए नहीं करना है। अरे क्रिया से सिद्ध नहीं होती होगी, क्रिया से सिद्ध अनित होगी, क्यों क्रिया अनित है तो क्रिया जन्य फल अनित नित्य कैसे होता हो जाएगा। स्वतः सिद्ध परमात्मा है। अभी बोल रहे ना हरि शरणम, तो मन में जो शरणम क्या है कि भगवान का हूँ मैं सदा से, पहले से, अब भी, अगाड़ी, नित्य निरंतर परमात्मा का हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ मैं, स्वाभाविक। तो ऐसे स्वाभाविकता में स्थित होना है, ये शरणागति है। करना न करना दोनों से अलग, करने की अपेक्षा न करना, न करने की अपेक्षा करना, ये दोनों सापेक्ष है। और करना न करना दोनों जो प्रकाशित होते हैं, ये प्रकाशित होने वाली वस्तु नहीं है, वो प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वतः सिद्ध तत्व में सबकी स्थिति स्वाभाविक है, सबकी है, उसकी तरफ ख्याल नहीं है। करने की एक धुन लगी हुई है, उसमें करने की धुन है, वो सब प्रकृति के साथ होने से है। प्रकृति है ना, वो सक्रिय होती, अक्रिय नहीं होती। और परमात्म तत्व है, वो तेजस्वता है, प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं न निवृत्ता नहीं कांक्षति। प्रकाश प्रवृत्ति मोह प्रकाश, ये ज्ञान है, ये सात्विक वृत्ति। प्रवृत्ति ये है राजसी वृत्ति, मोह है ये है तामसी वृत्ति। प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रदानी, ये आ जाए तो इनका द्वेष नहीं और चले जाए तो इनकी कोई इच्छा नहीं। ये बुराती अवस्था बताई है, न दृष्टि संप्रदानी, ये आ जाए तो उनके कोई द्वेष नहीं, चले जाए तो कोई इच्छा नहीं, आना चाहिए प्रकाश आना चाहिए, प्रवृत्ति आनी चाहिए, मोह आना चाहिए, कोई इच्छा नहीं। न दृष्टि संप्रदानी न दृष्टि कांक्षी, उदासीन हताशीन, उदासीन कितने बैठा है, ये है गुणातीत अवस्था है, उदासीन हताशीन, गुणी गुण में चल लेते, ना तो स्वयं कुछ करता है ना गुणों के द्वारा विचलित होता है, उसे करवाने से कुछ नहीं करता, अपने कुछ नहीं करता है। गुणा वर्तन थे योग, गुण गुण वर्त रहे योग, ये हो रही है तब हो रही हो रही है। जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा होने में हम थोड़ी कारण भी, हम वर्षा रहे हैं और भी बंद हो जाए तो हमने बंद कर दिया है। सदैव वर्षा हो रही है, वर्षा बंद हो जाती है, वायु चलता है बंद हो जाता है, गर्मी आती है बंद हो जाती है, ठंडक आती है बंद हो जाती है, आता आना जाना स्वतः प्रकृति से हो रहा है। इसलिए भी इसमें करना न करना सब प्रकृति से हो रहा है। तत्व न करना है न करना है, न संबंध है, न वियोग है, न संयोग है, स्वतः से धैर्य है, ये तत्व है। इसकी प्राप्ति के लिए ये सब उद्योग है। तो उद्योग क्यों है फिर, उद्योग हम बैठे हैं जहाँ वहाँ उद्योग में बैठे, प्रकृति में बैठे हैं। इस वास्ते करना न करने के लिए है, सोचना न सोचने के लिए है, सब करना न करने के लिए है, मनुष्य परमात्मा में स्थित होना है। तो अभी नाम का जब करो करो, परंतु लक्ष्य उसका रखो, एक दिन वो है। ये बात आप सोचो, करने में आप है न करने में आप नहीं है क्या,
कि आपकी सत्ता करने में ही है, नकलने में आपकी सत्ता नहीं है। जागृत में सत्ता है तो स्वप्न में आपकी सत्ता नहीं है, स्वप्न में है तो आप गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति में सत्ता नहीं है का। आपके करने में न करने में दोनों में सत्ता है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह आने में जाने में आप तो वैसे के वैसे ही है, ये आने जाने वाली है प्रकाश प्रवृत्ति मोह नहीं है। उदासीन हो आसीन हो गुणे गुण विचार लेते गुणों द्वारा विचलित होता ही नहीं। गुणों द्वारा विचलित हो गुणों का संग होने से होता है, गुणों का संग ही नहीं गुण गुण वर्तन थे अपने बढ़ते इंद्रिया इंद्रिया जो वर्तन थे गुण गुण वर्तन थे नानी गुणे बेकर्ता मेरा दृष्टान पैसे दिए सब गुण हो रहा है। देखो निरपक हो तमाशा न करने का पक्ष है न करने का पक्ष है, कोई आग्रह नहीं है। ऐसे गुणातीत होता है उदासीन उदासीन हो गुणी जीवन में चल रही गुणा वर्तन थी और योग अतिष्ठती नहीं थी। ये स्वतः सिद्ध है और व्यवहार में परित्यागी सोचते क्रिया करे तो सुख में दुख में है जो का जो है। सुख में आपकी स्थिति है वो भी आपकी स्थिति दुख में है, दुख में वो स्थिति आपकी सुख में है। आप सुख दुख से रहित स्थिति है तो व्यवहार में सुख दुख सुख होगा, जो कुछ भी अपने में क्रिया नहीं होगी सुख दुख में सम होगा। समलोष्टात्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य निंदात्म स्तुति निंदा हो स्तुति हो आदर हो निरादर हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो ये सब बदलने वाले हैं। ना अनुकूल की महिमा है ना प्रतिकूल की, इनका महिमा ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है, ना आदर से रहता है ना निरादर ठहरता है, ना प्रशंसा ठहरती है ना निंदा ठहरती है, ना संयोग ठहरता है ना वियोग। इन दोनों में देगा तो वियोग वो नित्य होगा, संयोग वियोग ले लो वियोग है संयोग की अपेक्षा, और संयोग वियोग दोनों से अतीत है वो है स्वतः सिद्ध शैलावस्था। तुम लोग मित्रादी पक्ष हो मित्र वाली पक्ष तो ले किसी के पक्षपात नहीं है। सर्वानंद परित्याग आरंभ मात्र होते हैं, ये सब प्रकृति में होते हैं, सुदय स्वरूप में आरंभ है ही नहीं, वो गुणातीत होता है। तो गुणातीत होता क्या, गुणातीत तो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है गुणातीत। पर एक बार देखा है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, ये अनादि है और निर्गुण है, गुण तो प्रकृति संभव है, प्रकृति प्रकृति गुण ही प्रकृतिजन्य गुण है, प्रकृति के अतीत में गुण कहाँ है, न सात्विक है न राजस है न तामस है, ये गुण प्रकृति संभव सत्वी गुण प्रकृति संभव अरे प्रकृति से आप अतीत है प्रतीत से निर्लेप है। तो निर्लेप का पहले लक्ष्य होता है, निर्लेप लक्ष्य होता है। अब करना क्या है, जो करने का वेग निकालना है। आरूढ़ो शोर मनेर योगम कर्म कारण मुद्दे करने का वेग, तो करने का वेग कुछ चाहो तो करने का वेग निकलेगा नहीं, तो दूसरों के हित के लिए करना अपने लिए करना है ही नहीं, अपने लिए क्यों करना है, क्यों अपना तो स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उनका निर्माण थोड़ा करना है, बनाना थोड़े के लाना थोड़े के ले जाना थोड़ा ही, कहीं उसने उधर उधर थोड़ी करना है, उसको कोई संस्कार करना है, तो करना सब दुनिया के लिए, अपने फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, संबंधी नहीं, तो करना सेवा, सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुँचाना है, सबका हित करना है, ये करना है, तो करना है वो और इधर इंद्रियां अंतःकरण शरीर ये करने में दूसरों के हित करने में लग गए तो ये क्रिया क्रिया में बढ़ती रही, बस स्वतः स्वरूप स्वतः सिद्ध रह गया है जो मैं तू, उसको करना नहीं, उसको बनाना नहीं, कुछ लाना नहीं, ले जाना नहीं है। मनन निध्यासन ये करना है जो
करने के लिए आसक्तियों को मिटाने के लिए तत्व के लिए क्या करना है? श्रवण मनन के द्वारा तत्व थोड़े मिलेगा, निधि ध्यान के द्वारा थोड़े मिलेगा, सत्या सिद्ध मिलेगा करने से। वो है सत्या सिद्ध, उसमें करने से मिलेगा वो अनित्य होगा, क्यों करना नित्य नहीं होता है। श्रवण नित्य थोड़ी होता है, मन नित्य थोड़ी होता है, निधि ध्यान नित्य थोड़ी होता है। ये तत्व है नित्य, तो क्रिया जन्य थोड़ा ही परमात्मा तत्व है, सत्य सिद्ध तत्व है। ये करने का वेग निकालना है तो कर्मयोग से करने का वेग जल्दी निकलता है, क्यों करना दूसरों के लिए है, यही के लिए है, उसके लिए, उसके लिए, अपने आश्रम की कामना, अपना संबंध स्वतः छूटता। भावना ही वो है कि जो हित के लिए करना है, जो उपकार के लिए करना है, शोक के शोक के शोक के लिए करना, अपने लिए करना ही नहीं है। नहीं बताते कृति न अर्थ न आकृति, उसका करने से मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है, न करने का भी आग्रह नहीं, करने का भी आग्रह नहीं, है ना। किसी प्राणी के कोई संबंध है, स्वतः से आत्म आत्म मानो आत्म कार्य न विद्यते, उसकी कर्तव्य कोई है ही नहीं। तो स्वतः सिद्ध तत्व में स्थित रहना है, यही अपना काम है। और तो भजन करो, भजन स्वर्ण हो रही है, तो भाई भजन किया था नहीं रहता। भजन नाम किसका है? केवल जप का नाम भजन नहीं है, भजन नाम है भीतर की लगन का। जैसे प्यास लगे तो जल का भजन करते हो क्या? भूख लगे तो भजन करते हो क्या अन्न का? जो खिताब है उसका नाम भजन है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन बोल राम, प्रेम के समान मतलब भजन कोई होता ही नहीं। तो ये तो भजन ऐसा प्रेम से रहता है तो लोगों में सुगंध आ जाती है। कस्तूरी की पास कस्तूरी कहती नहीं कि हमारी सुगंधि लो और मैं सुगंधि फैला लू, यही नहीं वो फैलती। इस तरह से जो भजन करता असली परमात्मा की स्थिति होती है उसमें लोगों में प्रसिद्धि हो जाती है। इसमें तात्पर्य इसका करने का निशा समझ नहीं, मानो न करना करना दोनों की मैं जो ना बात कही, ऐसी स्थिति होगी तो लोगों में बड़ी प्रशंसा हो जाएगी, तो सुगंधी फैलेगी। ऐसा सभी सोचा ही होती, प्रेम किसी का होता है तो प्रेम को दबने दबने थोड़ी होता है, तो असली प्रेम का नाम है नारायण 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 संग ठीक है। भजन उसका नाम है, प्रेम का नाम, भीतर की लगन है, भीतर की चाहना है, भीतर की एक भूख है, भूख भूख और होती है, इच्छा और होती है, भूख और होती है, इच्छा और होती है, करने में इच्छा होती है, भूख में इच्छा नहीं होती है। भूख लगती है कर लगाते हो, इच्छा तो करते हैं कराते हैं, भूख तो लगती है। ऐसे परमात्मा तत्व की भूख है, उसका नाम भजन है।